दोस्तों जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी की डेब्यू फिल्म मलाल की रिलीज डेट जैसे ही नजदीक आती जा रही है, वैसे ही वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं और उनका नाम अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा से भी जोड़ा जाने लगा है। हाल ही में मिजान से जब एक चैट शो में पूछा गया कि वह किसे मारना चाहेंगे, किससे शादी करना चाहेंगे और किसके साथ हुक अप करना चाहेंगे, इस पर उन्होंने दिलचस्प जवाब दिया था। इस गेम में मिजान को किल मैरी और हुक अप के तीन विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्प में नव्या नवेली नंदा, सारा अली खान और अनन्या पांडे का नाम था। इस पर मिजान ने नव्या नवेली को शादी करने के लिए चुना, जबकि सारा अली खान को हुक अप और अनन्या पांडे को किल करने के लिए चुना था। और इसके बाद जब उनसे ये सवाल किया गया कि वह कब इस रिलेशनशिप को स्वीकार करेंगे, तो वह मुकर गए। मिजान ने कहा, मैं क्यों स्वीकार करूं जब कोई रिलेशनशिप में ही नहीं है, हम दोस्त हैं, दोस्ती का भी एक रिश्ता होता है, यह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप का डेटिंग रिलेशनशिप नहीं है। दोस्तों इस बात के ऊपर मिजान कहते हैं, जब भी नव्या की बात आती है कि वह मेरी अच्छी दोस्त है, दरअसल वह मेरी बहन की अच्छी दोस्त है, दोनों ने न्यूयॉर्क में एक ही कॉलेज में पढ़ाई की है और मेरे कई पिक्चर भी उनके साथ वायरल हो चुके हैं और वहीं से लोगों ने किस्से बनाने शुरू कर दिए हैं। मेरे और नव्या के बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। दोस्तों मिजान के इस लुक्स की तुलना रणवीर से भी खूब हो रही है। इस बारे में वह कहते हैं, रणवीर सिंह से तुलना करने के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता और मेरी अभिनय यात्रा तो यहाँ से शुरू हो चुकी है। हाँ, उनकी तुलना होने पर मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन मुझे अभी अपना काम दिखाना बाकी है। तो दोस्तों आप लोगों को मिजान और नव्या नवेली की ये दोस्ती पसंद नहीं है तो इस वीडियो को लाइक व कमेंट करके जरूर बताइए और रोज ऐसी ही नई नई खबरें पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।